देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है, कि फ्रैक्शन में 1/4, 1/3, 1/2 यानी 1/2 जो होता है, 1/3 जो होता है, 1/4 जो होता है, कैसे लिखा जाए। अब मेन टॉपिक है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तुमने देखा होगा कभी तुम्हें ऐसा लिखा मिला होगा 3/2, 3 से डिवाइड करना है 2 को, क्या करना है 3 से डिवाइड करना है 2 को, तो हम इसको कैसे लिखते थे 3/2, यानी 3/2 लिखते थे। अब 3/2 लिख तो लिया, लेकिन इसमें जो होता है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है 3/2 जो हमारा फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। जो ऊपर वाला होगा मतलब जो हमारा अपॉन के यानी जो बटे के ऊपर का हिस्सा रहेगा वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा, और नीचे का हिस्सा हमारा क्या रहेगा डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। यानी अगर जो हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन, ठीक है, ऊपर लिखेंगे अंश बटे हर, क्लियर है। जब भी हमें कोई भिन्न लिखना होगा, कोई भी फ्रैक्शन लिखना होगा, तो हम न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे, क्लियर है सबको। जिसको हम हिंदी में अंश और हर भी कहते हैं, अंश हमारा ऊपर रहेगा और हमारा नीचे रहेगा। अब ये बताओ कि मान लो तुम्हारा 3/5 है और मैं इसमें पूछूं कि न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है, तो न्यूमरेटर क्या होगा इसमें 3/5 में, सर वो 3 अंश होगा, ठीक है, यानी 3 जो होगा हमारा न्यूमरेटर होगा और 5 हमारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये बताओ मान लो मैंने ऐसे कोई चित्र बनाया, ठीक है, चित्र बनाया और इसका आधा ऐसे कर दिया और आधे को मैंने शेड कर दिया, क्या कर दिया कलर कर दिया, ठीक है। आप बताओ जो कलर वाला भाग है वो कितना होगा, हर कितना होगा कलर वाला भाग, सर होगा 2। मैंने क्या कल बताया था कि कोई चीज एक होती है तो 1, ठीक है, तो 1। अब ये गोला जो था, वृत्त जो था, सर्कल था, हमारा पूरा 1 था, लेकिन हमने उसके आधे भाग को क्या कर दिया कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि जो कलर वाला हिस्सा है वो कितना होगा, 1/2 क्या होगा, ठीक है, यानी आधा होगा। भाई मान लो तुम्हें सेब या अमरूद मिलता है, ठीक है, और उसका आधा करना है, मतलब 2 भाई बहन हो, मैंने कल भी बताया था ना, 2 भाई बहन हो, तो जो हमारा एक हिस्सा होता है, मान लो एक हिस्सा है, एक अमरूद या एक संतरा, और हमको हिस्से करने हैं 2, कितने लोग हैं 2 लोग, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1/2। भाई भाग ही तो करेंगे तभी तो 2 भाग में डिवाइड होगा। अब मान लो 4 लोग हैं तो 1/4, ठीक है, हमेशा ऊपर वाला जो रहेगा, अगर जो एक सेब है तो 1 रहेगा, 2 सेब है तो 2 रहेगा, ठीक है,
तीन रहेगा तो तीन रहेगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जितने लोगों में बांट रहा है उसकी संख्या रहेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब मान लो एक कोई चित्र है, एक त्रिभुज बनाया है मैंने, एक ट्रायंगल बनाया है। अब इसमें जो है मैंने आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब मैंने कह दिया कि इसको आधा काट के निकालना है, क्या करना है, आधा काट के निकालना है। तो हमारा त्रिभुज कितना था, एक। अब कितने हिस्सों में बांटा, दो, वन बटे टू। तो ये क्या हो जाएगा, वन बटे टू, और ये भी क्या हो जाएगा, वन बटे टू। यानी जब हम उसको दो हिस्से में बांटेंगे तो वन बटे टू और वन बटे टू में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। अब एक चीज बताओ, मान लो एक बर्फी है, क्या है, बर्फी, बर्फी। और घर पे तुम्हारे तीन भाई बहन है, क्या है, तीन भाई बहन। अब बर्फी को बांटना है तो कैसे बांटेंगे, दो तीन, तीन हिस्सा करेंगे ना, तीन बराबर हिस्सा करेंगे बर्फी का। तो बर्फी कितना था हमारा, एक बर्फी थी ना, एक मिठाई था। एक मिठाई को तीन हिस्सों में बराबर बांटोगे जब, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री। यानी ये भी तुम्हारे भाई को भी वन अपॉन थ्री, तुम्हारे तुमको भी वन अपॉन थ्री, और तुम्हारी बहन को भी वन अपॉन थ्री मिलेगा, ठीक है। इसी को भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया सबको। अब मान लो एक रोटी है, क्या है, एक रोटी, रोटी ओल्ड मॉडल हो गया, चलो पिज्जा है, क्या है, पिज्जा, ठीक है। अब पिज्जा है, पिज्जा को क्या किया हमने, तुम चार भाई बहन हो, चार भाई बहन हो, तो इसको चार भाग में बांटेंगे, वो भी बराबर बांटेंगे, बांटेंगे ना। तो पिज्जा कितना था हमारा, वन, और भाई बहन कितने थे, फोर। तो जब हम वन में फोर से डिवाइड करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। तो ये पिज्जा का एक एक जो है स्लाइस कितने का आएगा, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, और वन अपॉन फोर का। क्लियर है, यानी हर भाई बहन को एक बटे चार का हिस्सा मिलेगा। क्लियर है सबको, इसी को भिन्न कहते हैं। क्लियर है, yes, sir।